ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी SCA स्मार्ट एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 6 आर्टिकल्स, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, क्लास 3। एक्सरसाइज ए, इन द सर्कल्स बिलो राइट सुटेबल आर्टिकल्स फॉर द गिवन पिक्चर। ठीक है, ये पिक्चर बना हुआ है, उसके बीच में सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल में आप जो सही आर्टिकल्स होगा वो लिखना है। जैसे फर्स्ट वाले में आइसक्रीम, ऑरेंज, अम्ब्रेला, देन एलिफेंट, एंट, तो इसमें क्या लिखेंगे, ANN। सेकंड वाले में लिखेंगे द, थर्ड वाले में लिखेंगे द। क्यों, अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिल द ब्लैंक्स विथ ए एंड और एन। फर्स्ट होगा द ट्री, सेकंड एन ट्री, थर्ड एन आवर, फोर अ ग्लास। अब व्हाट इज एन आर्टिकल, एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विथ वॉवल साउंड। वॉवल साउंड वाले जितने भी वर्ड होते हैं उससे पहले हम एन लिखते हैं। अ इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। अ हम वैसे यूज वर्ड के सामने यूज करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले यूज होता है। ए एंड एंड द आर द आर्टिकल। व्हाट इज आर्टिकल, यूजिंग ऑफ ए एंड द इज द आर्टिकल। नाउ एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड और द, वन हैज बीन डन फॉर यू। दिस इज अ क्रेयॉन, गिव मी द क्रेयॉन। सेकेंड, दिस इज एन एलिफेंट, द एलिफेंट इज 5 years ओल्ड। टेल मी अ स्टोरी, Tell me the story of the naughty monkey. Give me an umbrella. Give me the blue umbrella. Now next exercise. Look at the pictures. Complete the sentences using the one has been done for you. First, this flower, this is a flower. The flower is pink. Second, this is a fish. The fish is in a ball. Manav has a ball. The ball is red. Saba has a doll. The doll is pretty. Next one. Fill in the blanks with A and the. अब हमें A and the use करते हुए fill in the blanks को complete करना है. I want to eat an egg. Where is the book I was reading? I am thirsty. May I have a glass of water? Which bag is yours? The red bag is mine. This is a dog. The dog is black and brown. An igloo is made of ice slabs. The mountains was difficult to climb. There is a basket on the table. Why did you not eat the cake I gave you? We ate lunch at the hotel behind our office. Do you want an orange or a banana? The woman bought a new shirt. There is an egg in a basket. There is the coat that is my grandmother gave me. I bought an apple. The apple was very juicy. Next, rewrite these sentences using the in the correct places. People come from all over the. अब हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को लिखना है, फिर से लिखना है, और जहाँ पे द हमें इस सेंटेंस में जहाँ पे द लगेगा वहाँ पे द लगा के फिर से इस सेंटेंस को लिखना है। People come from all over the world to see the Taj Mahal. Second, Earth goes round sun. सबसे पहले हो जाएगा the Earth goes round the sun. आपको सेंटेंस जैसे हमने ऊपर लिखा है द लगा के, वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है सब जगह। ये आपका होमवर्क रहेगा, सिर्फ ऐसे आप लोग नहीं लिखेंगे, आप लोग पूरा सेंटेंस लिखेंगे। थर्ड, अ रॉकेट कैन टेक यू टू द माउंटेन। फोर, आई वॉन्ट द पेन यू हैव इन योर पॉकेट। फाइव, when will the teacher come? Sixth, the new dress was
very loose. Seventh, the food was very spicy. Eighth, give me the book you bought yesterday. Ninth, where is the boy who was sitting in this room? Tenth, the sun is a huge ball of fire. Next exercise, spot the mistake in each sentence, then write the sentence carefully. अब इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है, जो मिस्टेक होगा उसको हमें अंडरलाइन करना है, और उस अंडरलाइन वाले वर्ड किस जगह पे क्या होना चाहिए वो लिख के पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है. द जेन इज अ गर्ल. अ इज रॉन्ग, तो अ के नीचे अंडरलाइन. द जेन इज द गर्ल. अ ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल. ए को अंडरलाइन करिए. द ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल. द सन गिव्स एन अर्थ हीट एंड लाइट. एन को अंडरलाइन करिए. द सन गिव्स द अर्थ हीट एंड लाइट. आई हैव अ जैकेट. एन जैकेट इज रेड. एन को अंडरलाइन करिए. आई हैव अ जैकेट. द जैकेट इज रेड. द मुंबई इज़ अ लार्ज सिटी. अ को अंडरलाइन करिए. द मुंबई इज द लार्ज सिटी. शी हैड एन अम्ब्रेला. अ अम्ब्रेला वॉज पिंक. अ को अंडरलाइन करिए. शी हैड एन अम्ब्रेला. द अम्ब्रेला वॉज पिंक. द टीचर आस्क्ड फॉर अ होमवर्क. अ को अंडरलाइन करिए. द टीचर आस्क्ड फॉर द होमवर्क. Did you like a sandwich I made? A को underline करिए. Did you like the sandwich I made? He gave me one of an two ice creams he had bought. N को underline करिए और लिखिए. He gave me one of the two ice creams he had bought. A principal scolded us. अ को अंडरलाइन करिए. द प्रिंसिपल स्कोल्डेड अस. वी आर गोइंग टू द भुवनेश्वर टुडे. ये पूरा सेंटेंस राइट है. वी आर गोइंग टू द भुवनेश्वर टुडे. वी सॉ अ एलिफेंट ऑन द वे होम. अ को अंडरलाइन करिए. वी सॉ द एलिफेंट ऑन द वे होम. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन. यू हैव टू रीड दिस पैसेज. इस पैसेज को रीड करिए, उसके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर इसमें से फाइंड आउट करिए. अगर आपको नहीं समझ में आएगा देन यू विल आस्क फ्रॉम मी. देन नेक्स्ट इज रीड द पैसेज. अंडरलाइन द आर्टिकल दैट हैव बीन यूज्ड इनकरेक्ट. देन राइट द करेक्ट आर्टिकल इन द ब्लैंक गिवन अगेंस्ट द सेंटेंस. अब इस सेंटेंस को पढ़िए, जो आर्टिकल रॉन्ग होगा उसको अंडरलाइन करना, और उसकी जगह क्या सही होना चाहिए वो हमें उसके सामने लिखना है. अ इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड यस्टरडे. अ को अंडरलाइन करिए, उसकी जगह लिखिए एन. द क्रोकोडाइल वेंट इनटू अ शॉप. अ को अंडरलाइन करिए और उसकी जगह द लिखिए. अ शॉप वॉज फुल ऑफ कस्टमर्स. अ को अंडरलाइन करिए और उसकी जगह द लिखिए. When the customers saw an crocodile, they all fled. An is wrong, तो इसको अंडरलाइन करिए और उसकी जगह लिखिए the. So here we have completed the chapter number 6 articles. ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसको अपनी बुक इंग्लिश ग्रामर बुक में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. थैंक यू.